ये अनारसा है, मतलब क्या चीज में बनाते हैं, क्या क्या रेसिपी? ये चावल और खोए से बनती है। अच्छा, चावल और खोए से, ये भी अनारसा है? नहीं हाँ। और नीचे आप लोगों को अनारसा दिख गया, और उसके नीचे लाई, लाई खोआ से बनाते हैं कि क्या चीज से? लाई खोआ और लावा से। खोआ और लावा से। तो यहाँ पे रेट बता दीजिएगा, क्या रेट आता होगा? 320 रुपये केजी है। और पीस कैसे आता होगा? 20-25 रुपये पीस है। 25 रुपये पीस, एक पीस 25 रुपये। हेलो फ्रेंड, तो अनारसा वाला आपसे बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आए हैं गया पापड़ी, और गया में बहुत ही खास चीज का ब्लॉग हम बनाने वाले हैं। ऊपर पढ़ लीजिए, श्री राम तिलकुट भंडार है जो टिकारी रोड है गया। और आप लोग यहाँ पे आइएगा तो स्टेशन के पास आइएगा, कोई से पूछिएगा टिकारी रोड जाना है, कोई भी बता देंगे कितना देना है। आप लोगों को सामने में दुकान दिख जाएगा, श्री राम तिलकुट भंडार, और यही सब्जी देते हैं। चलिए अंदर घरे खाना है कि बता दीजिएगा क्या रेट आता होगा? 320 रुपये केजी है। और पीस कैसे आता होगा? 20-25 रुपये पीस है। 25 रुपये पीस, एक पीस 25 रुपये। जैसा कि दोस्तों 320 रुपये केजी है और 25 रुपये पीस। और पापड़ी अनारसा का क्या रेट आता है? 20 रुपये और 20 ना। पापड़ी अनारसा का रेट है 180 रुपये केजी। 180 रुपये केजी। और नीचे वाला क्या बोले हैं? लाई है, ये 360 रुपये केजी है, जो मतलब पूरा खोआ और लाई मिक्स। पूरा खोआ और लाई मिक्स है। अच्छा, तो आपका दुकान कितना साल पुराना हो गया ये? मेरा दुकान बहुत साल पुराना है, हमको याद नहीं। एगो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 30 बरस पुराना। तो जैसा कि दोस्तों एक चीज़ हम यहाँ बहुत ही खास दिखा, तिलकुट बहुत जगह समझ जाइए परमानेंट नहीं मिलता है, ठंड के समय में खिचड़ी का टाइम में मिलता है, लेकिन हाँ। आप 12 मास यहाँ बिकता है। अच्छा, तो ये पूरा ताज़ा बनता है कि नहीं? ताज़ा बनता है। तो यहाँ आपका सेलिंग ज़्यादा होता होगा, इसलिए ये बनते जाता है, बिकते जाता है? हाँ, बनता है, बिकता है, बनता है, बिकता है। का रेट होता होगा 400 रुपये के जी? नहीं हाँ, जो पूरा शुद्ध देसी खोआ के बनाते हैं। हाँ। अच्छा, तो आप जो मतलब कारीगर रखे हैं, कहाँ के कारीगर रखे हैं? सब लोकल कारीगर है, यही का गया जिला का ही सब। इधर दोस्तों देख लीजिए, पेड़ा बनाने का पूरा काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसमें आप लोग क्या क्या डाले हैं? इसमें खोआ है और चीनी पड़ेगा। खोआ और चीनी, खोआ है, खोआ पूरा पकेगा एकदम शुद्ध, मतलब खोआ का पेड़ा बना। हाँ, शुद्ध खोआ। क्या रेट होता है पेड़ा का? 400 रुपये के जी। 400 रुपये के जी। यहाँ देख लीजिए, पूरा मतलब जोरों शोरों से पेड़ा बनने का काम चल रहा है, और बहुत ही प्यारा सा सुगंध आ रहा है। देख लीजिए, आप लोग जो पेड़ा खाते हैं कितना जल्द खा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का आप लोग मेहनत देखिए, काफ़ी मेहनत लगता है एक पेड़ा को तैयार करने में। करीबम सर जी को हम उस समय से देख रहे हैं, करीबम एक घंटा से आप ऐसे ही चला रहे हैं? नहीं, पूरा हाथ दुखा जाता होगा। हाँ, 2 घंटा। अच्छा, 2 घंटा लगेगा, ऐसे ही चलाते रहिए, हाथ दुख जाता है। तो समझिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है पेड़ा बनाने में। पिताजी दिए नहीं, और यही तेल में फ्राई किया जाता है? हाँ हाँ, रिफाइन में फ्राई। अच्छा, होता है। सुबह में 6:30 बजे दुकान ओपन हो जाती है। रात में कितना बजे तक खुलता है? 10 बजे तक। रात में 10 बजे तक। तो यहाँ गाया का जो भी आदमी होंगे आपके दुकान में आते हैं खरीदारी करके ले जाते हैं? हाँ। तो चलिए, ऐसे ही सेवा देते रहते। तो तिलकुट जब ठंड का समय आता होगा वहाँ, तो और भी कारीगर, हाँ कारीगर ये पूरा भर जाता होगा? नहीं हाँ हाँ, तो कारीगर आप बढ़ा देते हैं, पूरा तिलकुट जोड़ो से बनता है? पूरा कारीगर बढ़ जाता है। अच्छा, तो उस समय खाजा वगैरह रखते हैं कि नहीं? खाजा भी रखते हैं लगन में। लगन में, जैसे अभी तो लगन का सीजन लगन नहीं है, खाजा भी नहीं। नवंबर दिसंबर से लगन जब चालू होगा तब पूरा खाजा अप्रैल तक बिकेगा। अच्छा, अप्रैल तक बिकेगा। तो जो भी शादी वादी का ऑर्डर आपको देते होंगे, इतना हमको चाहिए, उतना चाहिए, खाजा हो गया, लड्डू हो गया, खाजा सारा चीज़ का आप ऑर्डर। तो फाइनली दोस्तों, अनारसा एक लिए हैं, एक लिए हम लाई। लाई को लोग खोबिया भी बोलते हैं। खोबिया भी बोलते हैं हाँ। और एक पीस लाई का क्या कीमत पड़ेगा? एक पीस लाई का 20 रुपये कीमत है, और अनारसा का एक पीस 25 रुपये। तो चलिए, अगर हम अनारसा आ चुका है, चलिए हम ट्राई करते हैं, हल्का सा हम तोड़ते हैं अनारसा को, और इसके अंदर पूरा बताएं सर, खोआ भरा हुआ रहता है अनारसा के अंदर। और आइए एक बाइट हम लेते हैं। वाह, दाढ़ी अच्छा लग रहा है। अंदर जो खोआ का फ्लेवर है पूरा फूट के आ रहा है, देख लीजिए ये अंदर सेहत लेकिन है, बहुत गिर गया, भरा हुआ है ये सब खोआ है। एकदम सही रहेगा, थोड़ा सा तोड़ते हैं, एक बाइट और लेते हैं। एकदम सही किए,
पता ही लग रहा है। अब ट्राई करने वाले हैं दोस्तों लाई, जो बताए हैं सर जी खोवा डाला गया है लाई के अंदर। सामान आपको गलत नहीं मिलेगा, सामान पूरा सही है। वाकई दोस्तों अमेजिंग टेस्ट है। अगर आप भी गया के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर आइए। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भैया इस जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम उस जगह का ब्लॉग बना देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप, समझ रहे हैं स्वस्थ रहे। एक चीज़ का नाम भूल गए, ये सर जी का बहुत ही पुराना दुकान है, पहले इनके पिताजी चलाते थे और उसके बाद ये आपको बिजनेस दे दिया है, और शुरू से आप पूरा संभाल रहे हैं। और अभी हम इनका अनारसा टेस्ट ट्राई किया और लाई ट्राई किया। अनारसा के अंदर खोआ में कोई कंजूसा ही नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत जगह हम लोग अनारसा ट्राई किए हैं उसके अंदर खोआ के नाम पे तो बेचते हैं लोग, लेकिन पता चलता है अंदर खोआ नहीं है, मैदा है, मैदा। और उसके बाद खोआ का टेस्ट नहीं है पता, लेकिन आपका जैसे हम तोड़ें तो जैसे कैटलेट नहीं खाया जाता है, कैटलेट खोआ हम लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो कैटलेट टाइप का ऊपर पापड़ी छोड़ दिया, अंदर पूरा खोआ ही था, मज़ा आ गया खा के। और लाई का तो बात ही कुछ और है, उसमें तो पूरा चार चांद लगा दिया। तो अगर आप लोग खाना चाहते हैं एक बार ज़रूर आइए। और एक चीज़ बता दीजिए, शादी वादी में जो ऑर्डर कोई देना चाहेंगे तो उन लोग का क्या रेट लगाते हैं? उन लोगों का रेट लग जाता है होलसेल रेट, यानी क्वांटिटी के हिसाब से। हाँ, क्वांटिटी क्या क्वांटिटी होना चाहिए उसमें भी शादी में अनारसा जाता होगा। हाँ हाँ, नाश्ता में जाता है, नाश्ता में जाता है, मतलब यहाँ का अनारसा ये सब लाइए प्रचलित। हाँ हाँ, जहाँ नहीं मिलता वहाँ आदमी रसगुल्ला डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रचलित है तो अनारसा जाना ही जाना है। तो कोई भी शादी में यहाँ का अनारसा मतलब नाश्ता रहता ही। तो चलिए दोस्तों आइए सर जी के दुकान पर और विजिट कीजिए, फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।